देर रात स्काई डिजिटल नाम से करनाल में केबल चला रहे एक हेडन पर छापेमारी की है। आपको बता दें कि सेक्टर 32 पुलिस ने एक कर्मचारी को काबू किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई सूर्या मीडिया विजन कंपनी अमृतसर की शिकायत के आधार पर की है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर रेड कर एक आरोपी को काबू किया गया है जो वहां पर काम करता है। आरोपी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई है। उन्होंने बताया कि ये गैर कानूनी तरीके से फिल्में व गाने चोरी कर चला रहे थे। इन फिल्मों व गानों के कॉपीराइट सूर्या मीडिया विजन कंपनी के पास है। उन्होंने बताया कि अब आरोपी को अदालत में पेश कर आगामी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सूर्या मीडिया विजन कंपनी की ओर से कुलदीप सिंह ने बताया कि पिछले 2 से 2.5 साल तक इन्होंने बिना कॉपीराइट के उनकी कंपनी के अंदर आने वाले कॉपीराइट वाले कार्यक्रमों को अपनी केबल पर प्रसारित किया है जिससे उनको भारी नुकसान हुआ है, जिसकी शिकायत करनाल पुलिस को दी गई थी, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। क्या मामला हुआ है ये पूरा थोड़ा विस्तार से बताइए। आपका नाम? मेरा नाम कुलदीप सिंह है जी, मैं अमृतसर से आया हूँ। मेरे पास राइट्स हैं जी, शमारू के, रोज के, अल्ट्रा इन, ते इनके राइट्स हैं मेरे पास, जहाँ पर एक केबल चल रही थी स्काई डिजिटल। कहाँ पे सर? 6 फेस बिहाइंड साई मंदिर के नजदीक करनाल। उसके मालिक थे नरेंद्र नरवाल, जो कि चोरी छुपे सब हमारे जो पिक्चरें हैं गाने हैं वो दिखा रहे थे अपने लोकल चैनल पर। जब हमने वहां पर रेड डाली तो वहां से हमने पिक्चर चलती हुई उसका सारा सामान हमने अरेस्ट लिया। उसमें 2 कंप्यूटर लिए हैं, 2 लैपटॉप है और 4 हार्ड डिस्क हैं। ऐसे थोड़ा सा और सामान जो इसके साथ चलता है लिया है, उसको भी पकड़ा है नरेंद्र नरवाल को। उसका एक लड़का भी है जो वहां पर मौके पर मिला था, उसको भी थाने लाया गया। FIR की कार्रवाई हो रही है अभी, ऐसा सब कर रहे हैं। आगे जो भी कार्रवाई होगी वो आगे चलती रहेगी। कंप्लेंट किसके खिलाफ दी गई है सर? कंप्लेंट दी थी हमने नरेंद्र नरवाल के खिलाफ। तो बताया कब से चला रहे थे सर? ये वो बोल रहा है मैं 2 साल 2.5 साल से ये काम कर रहा हूँ और मुझे किसी ने कॉन्टेक्ट नहीं किया, जबकि कॉन्टेक्ट उसे हमसे करना था ना। जो कोई चीज लेनी है तो हम थोड़ा जरा ढूंढ जाएंगे, वो ढूंढेगा ना कंपनी कौन सी, उनसे मैंने राइट्स लेने हैं। वो बोल रहा है कि मैं कंपनी मेरे पास नहीं आई। हम पूरा ऑल इंडिया देखते हैं सर, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, यूटी, दिल्ली, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इसके हिसाब से हमने कार्रवाई कराई है। आप कहाँ से आए हो? सर मैं अमृतसर से आया हूँ। आपको कैसे नॉलेज मिली यहाँ पर ये कुछ चल सर? हमने जहाँ से हमारे सूत्र जो हमारे जो होते हैं इन्फॉर्मेशन होती है उससे हमें मालूम हुआ कि जहाँ पर स्काई डिजिटल कंपनी HD वाले हमारे लोकल पिक्चरें चैनल पर पिक्चर और गाने दिखा रहे हैं, प्रसारण कर रहे हैं, उसका हमें कोई पैसा नहीं दे रहे, नाम से कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं। कौन सी कंपनी के सर? जब पिक्चरें बड़ी इनकी चल रही थी, हम आपके दिल में रहते हैं, धूप शाम चल रही थी, जिसके राइट शुमारू के हैं और शुमारू के खिलाफ बाई नेम जो है वो भेजे हैं हमारे, आपने राइट्स भेजे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उन्होंने कबूल करा कि हम चला रहे थे? सर वो मानते हैं, वो ये बोल रहे हैं कि हम चला रहे हैं, पर हम मेरे पास कोई नहीं आया। जब हम कोई चीज लेते हैं दुकान से, पास है दुकानदार गड़फड़ चीन देने आता है, जब हम उनको फोन करते हैं अभी हर ये राशन भेज दें। तो कंपनी को सूर उठा रहा है, कंपनी ने हमारे से बात सर कंपनी ने ऐसे है कि ऐसे तो पूरे इंडिया में जो चल रहे हैं केबल चल रही हैं वो राइट्स लेके चलाते हैं, कोई बात नहीं चलाएं। अब करनाल में होल केबल भी चल रही है, हमें उसको तो छेड़ा नहीं है। और ये जो चोरी कर रहा था वो ये चोरी कर रहा था तो इसके खिलाफ एक्शन होगा, जो कार्रवाई होगी होगी उसमें कोर्ट में चलेगी। तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है कुछ? सर पुलिस अपनी FIR काटेगी उनके खिलाफ, मौके से सामान पकड़ा गया है और मैं तो अंदर नहीं जा नहीं सकता क्योंकि क्या क्या सामान है सर? सामान इसमें 2 पकड़े हैं लैपटॉप, 3 हार्ड डिस्क है, 2 UPS है और 1 मॉड्यूलेटर है, 1 ट्रांसमीटर है और एक था सेट अप बॉक्स है जो हमने वहां से रिकवर किया है। कहाँ पर सेट अप कर रखा था? सर वो अपने हेडन पर जो दूसरी फर्स्ट फ्लोर पर रखा था, इसका शोर नंबर 3। कितना नुकसान हुआ आपको? सर हमें तो इसका बहुत नुकसान है, फिर भी ये सर नाजा लाए तो हमें तो लाखों का नुकसान है। जैसे जो बोल रहे हैं हम 10,000 बॉक्स ला रहे हैं और 2 रुपए बॉक्स भी दबे हर महीने का 20,000 हो जाता है और साल का 2,40,000 ऐसे कब का चला रहा है जी। अब आप क्या मांग रहे सर? हम तो कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं, हमें तो दबाव डाले यहाँ के लोग डाल रहे हैं कि आप कंपनी में कर ले पैसे ले लें हमसे, जो पैसा बनता ले लें, हम आपका सेटलमेंट कर देते हैं। हम सेटलमेंट करके आए हैं यहाँ पर, हम तो जो काम गलत हुआ है उसके खिलाफ आए हैं, भी ये काम नहीं होना चाहिए। ये इससे सेटलमेंट कहेंगे तो जो हमें काम सही कर रहे हैं वो भी कहें कोई बात नहीं, ये तो सेटलमेंट कर लेते हैं,
सेटलमेंट चलेगी जी। ऐसे नहीं काम होता, जो गलत है वो गलत रहेगा। क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह। क्या है आपकी कंपनी का नाम? सर हमारी कंपनी का नाम है सूर्या मीडिया विजन, और हमारे पास राइट्स जो हैं वो है रोज, शमारू, अल्ट्रा, इन केबल, क्रिस्टल, स्नेपराइन, सोनोटेक। थैंक यू सर। ओके। जो ये स्काई ब्रिज टेल का जो मामला था, क्या कार्रवाई की गई है, कौन गिरफ्तार किए गए, क्या क्या सामान जब्त किया गया, ये बताइए। जी सर, देखिए कल शाम के समय हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये स्काई डिजिटल का ओनर जो है वो विदाउट परमिशन की फिल्मों का प्रसारण कर रहा है, तो उस संबंध में हम कॉपीराइट एक्ट का की कार्रवाई हमने की। और ये सूर्या मीडिया विजन कंपनी के ओनर को साथ लेके हमने रेड किया, जहाँ पे ये दो फिल्में हम आपके दिल में रहते हैं और दूसरी धूप छांव, ये इनकी परमिशन नहीं थी इनको स्काई डिजिटल को, और वो चलाते हुए पाए गए, जिसमें हमने एक आदमी को मौके से गिरफ्तार किया है और अभी इसके ओनर को बाद में गिरफ्तार किया जाएगा। तो क्या क्या सामान जब्त किया? इससे हमने जो जिन उपकरणों से वो इसका प्रसारण कर रहे थे वो हमने कब्जा पुलिस में लिए हैं। जी साहब, तो क्या कार्रवाई की जा रही है? इसमें हमने एक आदमी को गिरफ्तार किया मौके से। क्या नाम है? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम गुलशन है, वो यहाँ पे काम करता हुआ पाया गया था और वो प्रसारण करते हुए मौका पर हमने वही पकड़ा था। जी सर, तो अदालत पेश किया जाएगा? हाँ, गुलशन को हम आजाद कोर्ट में पेश करेंगे। थैंक यू सर। सामान की कुछ है जैसे क्या? सामान की सूची पुलिस फाइल के साथ है, जिसमें ये उपकरण है जिसके सहायता से वो प्रसारण में इस्तेमाल होती है वो चीज़ें। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।